जय हिंद दोस्तों, आज 25 सितंबर सैनिक खबरों में बात करेंगे। राइफलमैन अमित सिंह की पुलिस जांच पूरी हुई है, बड़ा खुलासा हुआ है, इस पर बात करेंगे। और कर्नल और उनकी पत्नी को दिल्ली बुलाया गया है, सच सामने निकलेगा। सैलरी व पेंशन के लिए 400 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। CAHRA पर आएगा लेटेस्ट अपडेट। बता दें, महंगाई भत्ता DA DR 4% पर लग गई है मोहर, 1600 रुपए का इजाफा हुआ है। 8वें वेतन आयोग JCM की मीटिंग हुई है, 7 मीटिंग बाद लिया जाएगा बड़ा फैसला। ORP 2 पर राहुल गांधी के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई है, उन्होंने एक बयान दिया था। बिना परीक्षा के भूतपूर्व सैनिकों के लिए जबरदस्त भर्ती निकली हुई है, तो सभी खबरों में बात करेंगे। पहली खबर से बात कर लेते हैं, राइफलमैन अमित कुमार की मौत पर रक्षा मंत्रालय सख्त हुआ है। बता दें, दिल्ली में जो कर्नल साहब हैं उनको और उनकी मैडम को बुलाया गया है। क्यों बुलाया गया है? क्योंकि जांच पूरी हुई है और ये जांच पुलिस ने की है। जो होटल में उनकी डेड बॉडी मिली थी उस पर जांच कर ली गई है और जांच अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आई है, इसमें कहा गया है कि जांच पूरी हो गई है लेकिन अभी इसको सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन जो इंडिया TV की खबर है, कुछ दिन पहले सेना के एक जवान अमित कुमार का शव एक होटल में मिला। बताया जा रहा है कि यह जवान 33 कोर में TD आया था और वापस अपनी यूनिट जा रहा था, तभी उसकी मौत एक होटल में हुई थी। जांच पुलिस और सेना द्वारा की जा रही है, जबकि अमित सिंह के घर वालों ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस कर्नल के यहाँ अमित काम करता था, उसी कर्नल की मैडम ने उसकी हत्या कराई है। साथ में शारीरिक शोषण का भी आरोप लगाया है, तो बहुत बड़ा आरोप लगाया है। सूत्रों की माने तो कर्नल और उनकी पत्नी ने सेना मुख्यालय ने दिल्ली में बुलाया है, जबकि नॉर्थ कमांड ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर से। भारतीय सेना और CGDA ने बड़ा कदम उठाया है। लंबित 48 मामले ऐसे थे जिसका निपटारा किया गया है और 400 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। ये 400 करोड़ पेंशन भोगियों के लिए हैं और जो सर्विंग जवान हैं उनके लिए हैं। ये पैसे उस काम के लिए थे जो CA पेंडिंग था, HRA पेंडिंग था, रिटायरमेंट के बाद जो CA पेंडिंग था उसके लिए ये खबर है। और बता दें, 400 करोड़ मंजूर किए गए हैं। कई शिकायतें आ रही थी जिसमें कई मामले ऐसे थे जो पेंडिंग थे। ये बता दें, जूनियर कमीशन अफसर JCO के लिए हैं और OR के लिए, ये उनके ही मामले पेंडिंग थे जिसकी अब खबर की पुष्टि हो गई है और 400 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। जल्द ही इसके खाते में आने की उम्मीद है। बता दें, सभी रेजिमेंट शाखा और जो यूनिटें हैं उनको ये जानकारी दे दी गई है। बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर से, 8th पे कमीशन पर मुहर लग जाएगी। बता दें, पहली मीटिंग हुई है, 7 और मीटिंग होने वाली हैं और ये मीटिंग होंगी अलग अलग राज्यों में। और ये JCM की मीटिंग हुई है, इसमें ये कहा गया है, जो ये मीटिंग 20 तारीख को हुई थी, 20 सितंबर को, उसकी रिपोर्ट आ गई है गवर्नमेंट के पास, इसकी सबमिट कर दी गई है, लेकिन अभी इसको भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। सूत्रों की माने तो इसमें कहा गया है कि 50% DA होने के बाद 25% की बढ़ोतरी कर दी जाएगी बेसिक में, चाहे पेंशनर हो या सर्विंग जवान हो। और अगर 50% के बाद 25% की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी तो 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा और उसका गठन किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया था कि जो पिछले 3% की DA की बढ़ोतरी की बात कही जा रही थी, उसमें यह कह दिया गया है कि 4% की बढ़ोतरी होगी। राष्ट्रीय परिषद JCM स्टाफ साइट की बैठक में यह मुद्दा उठाया गया था। बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर से, राहुल गांधी के ऊपर मोहाली में FIR दर्ज की गई है। और ये FIR इसलिए दर्ज की गई है कि इन्होंने ORP पर कहा था कि ORP ऑफिसर को ज्यादा बेनिफिट मिला है, जवान और सोल्जरों को कम मिला है। उसके बाद जो वायुसेना पूर्व अध्यक्ष थे वायुसेना के, भदौरिया साहब, इन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे कि जवान और ऑफिसर में मतभेद पैदा हो। बता दें, ये मतभेद इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि जवान काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, जंतर मंतर पर 220 दिनों से ज्यादा हो गए वहां पर बैठे हैं। सिर्फ वो ये चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी ना की जाए, तो कम से कम 3 रिटायर्ड जजों की
एक कमेटी बना दी जाए जो कि इस मामले को, हमारी जो विसंगतियां हुई हैं इसको देखे। क्या इस बात पे कोई इसमें एफआईआर करने वाली बात है? ये तो एक लीडर पर एफआईआर की, अगर कहीं किसी जवान के ऊपर अगर ऐसी एफआईआर कर दी जाएगी तो वो क्या करेगा, वो कितना परेशान हो जाएगा। लीडर के ऊपर तो ऐसी एफआईआर पचासों होती रहती हैं, तो इनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर से, सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी है, परमानेंट गार्ड की, और सरकारी जॉब है ये। सिक्योरिटी सुपरवाइजर की है, सिक्योरिटी गार्ड की है, कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, ये छत्तीसगढ़ कोरबा में निकली हुई है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है, 8 घंटे ड्यूटी रहेगी, सैलरी इसमें दी हुई है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। जो भी छत्तीसगढ़ में जॉब चाहते हैं इसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑल इंडिया के लोग भी इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, केवल भूतपूर्व सैनिक ही कॉन्टैक्ट करें, ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए ही वैकेंसी है। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें जिससे कि लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।